हेलो बच्चों, अब हम करेंगे 29th का बी पार्ट। और बच्चों ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बना लिया है। और बच्चों ये देखो ध्यान से, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे शेडेड पार्ट निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चा, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ ना तो देखो एक सर्कल बन रहा है ना। देखो ये देखो एक सर्कल नहीं बन रहा है, और इसको ऐसे काटता हूँ और इसको ऐसे काटता हूँ तो ये एक क्वार्टर है, एक सर्कल का एक क्वार्टर है, देख रहे हो, है ना। तो अब एक काम करता हूँ मैं, जब एक सर्कल के क्वार्टर से इस सर्कल के एक क्वार्टर में एक, और ध्यान से देखो, अब मैं सर्कल का एक क्वार्टर है मतलब ये, अब ये और ये जो ये है ना, ये क्या है, स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये एक सेक्टर नहीं हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, या फिर एक क्वार्टर ही ले लो, या फिर एक सेक्टर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब इस सेक्टर से या फिर एक क्वार्टर से जब मैं इस रेक्टेंगल के, जब मैं इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूंगा तो मेरे पे शेडेड पार्ट आ जाने वाला है। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, इस जो ये क्वार्टर है इसके लिए मुझे रेडियस चाहिए होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल का रेडियस नहीं होगा, देखो यहाँ से और यहाँ तक ये रेडियस होगा ना सर्कल का। और अब ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है, ये 20 है, ये भी 20, अब 20 20, और ये देखो ये क्या है, इसका डायगनल। तो स्क्वायर का डायगनल, और हमको पता है स्क्वायर का डायगनल क्या होता है, डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2 इंटू साइड। तो डायगनल क्या है मेरा, अंडर रूट 2 और ये 20, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पे 20 अंडर रूट 2, मेरा क्या हो गया, ये पूरा पूरा क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा, है ना। डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, रेडियस। देखो ध्यान से, ये रेडियस नहीं है यहाँ से यहाँ तक, तो बस अब और कुछ करना ही नहीं है मुझे। देखो मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं इस क्वार्टर का एरिया निकाल लेता हूँ, और स्क्वायर के एरिया से जब मैं क्वार्टर के एरिया को माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाने वाला है ना। तो मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ क्वार्टर, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 पार्ट है ना, 1/4 πr² π r² तो बच्चों हो जाएगा 1/4। पाई की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 3.14 × r² आर स्क्वायर मेरा है 20√2² होल स्क्वायर। तो या तो आप इसको दो बार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार भी लिख सकते हो, मतलब स्क्वायर कर देना ऊपर, है ना। तो बच्चों इसका जो आंसर आ जाने वाला है अभी मेरे पे, वो हो जाएगा बच्चों मेरा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो एरिया ऑफ क्वार्टर आ गया मेरा 628। ठीक है, अब मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना, तो मैं यही निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा बच्चों साइड इंटू साइड, तो साइड मेरे पे है 20 × 20 विच इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखें, मैं इसको आंसर यहीं पे निकालने वाला हूँ, जो शेडेड पार्ट क्या होगा बच्चों मेरा, क्वार्टर से जब मैं स्क्वायर को माइनस कर दूंगा तो मेरा शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो 628 से जब मैं 400 को माइनस करता हूँ बच्चों, तो कितना आ जाने वाला है मेरे पे, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही बच्चों हमारा आंसर है, यही शेडेड पार्ट का, है ना। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, बस आपको बस अप्रोच अच्छा बना के चलना है, मैंने आपको पहले ही बोला है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर चलिए।